तो हे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? और आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आप लोग मस्ती होंगे। सो आज हम करने वाला हूँ मोबाइल क्लिक फ़ोटो को DSLR जैसा कैसे बनाएं, DSLR जैसा पिक कैसे बनाएं। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की एडिटिंग। सो देखिए, बैकग्राउंड इतना बड़ा और इतना हार्ड फोटो एडिटिंग आज हम करने वाले हैं और अपने स्नैपसीड ऐप में। सो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम हार्ड बल्ला और फेस स्मूथ। तो आपको भी सीखना इस प्रकार की एडिटिंग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए हम अपने इस पिक को सेंड करते हैं। ये हमारा रियल पिक और इसको हम सेंड कर लेंगे अपने स्नैपशीट। सो दोस्तों, हम लोग अपने पिक को स्नैपशीट में सेंड कर चुके हैं। तो इतना हो जाने के बाद नीचे में दिख रहा है यहाँ का टूल का निशान, टूल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टर्न इमेज पर क्लिक करना है और ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है, कंट्रास्ट को कुछ इस टाइप से कम कर देना, सिचुएशन को बढ़ा देना है, एम्बेंस को भी बढ़ा देना है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे दिख रहा होगा हाईलाइट, हाईलाइट को भी कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है। और शेडो को कुछ इस टाइप से घटा देना है, ठीक है। और यहाँ से नीचे में दिख रहा होगा सही के निशान, यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर से नीचे में दिख रहा होगा टूल का निशान, इस पर जाना है और यहाँ पर दिख रहा होगा हेलिंग, ठीक है। हेलिंग वाले ब्रश पर हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से अपने फेस को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, अपने बॉडी को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए हमारा बॉडी रिमूव हो रहा है। सो इस पार्ट से हमें रिमूव कर लेना है और नीचे में दिख रहा होगा सही का निशान, सो यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद फिर से इस टूल पे आ जाना है और टूल पे आ जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा लेंस ब्लर, इस पर क्लिक कर देना है और इसको दोनों से छोट करके नीचे आन लेना है और ब्लर को बढ़ा देना, ठीक है, कुछ इस टाइप से इतना रखना है ब्लर। और नीचे आ जाना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और इसको थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। सो इतना देखो हो गया। और इतना हो जाने के बाद हम लोग अपने पिक को ऐड करेंगे। तो अपने पिक को ऐड करने के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा टूल का निशान, सो इस टूल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डबल एक्सप्लोरर है, इस डबल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देंगे और नीचे में दिख रहा होगा प्लस का निशान, सो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके और हम अपने उस रियल वाले पिक को ऐड कर लेंगे। सो हमारा ये रियल वाला पिक था और इसको हम ऐड कर चुके हैं। सो परफेक्ट ऐसे करके लगा देना, ठीक ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें लगा देना, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा ओपिसिटी का निशान, इस पर क्लिक कर देना और इसको 100 कर देना, ठीक है। और 100 करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा सही का निशान, सो इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना। सो देखिए हमारा फोटो पहले जैसा हो चुका है, तो घबराना नहीं है। ऊपर में देखिए क्रॉस तीर का निशान होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दिख रहा होगा व्यू एडिट, ठीक है। सो व्यू एडिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर डबल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना, ठीक ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद फोटो को जूम कर लेना है और देखिए हम अपने बैकग्राउंड को इसको ऐसे करके रिमूव कर लेंगे, यहाँ से जीरो करके और ऐसे करके रिमूव कर लेंगे, ठीक है, बॉडी के से। सो देखिए हमारा पहले वाला बैकग्राउंड आ रहा है और ये रिमूव हो रहा है, कितने अच्छे तरीक़ा से हमारा कितने अच्छे तरीक़ा से हमारा बैकग्राउंड आ रहा है और वो भी एकदम ब्लर के साथ। सो चलिए हम लोग स्पीड में इसको रिमूव कर लेते हैं। और इतना हो जाने के बाद हमारा फोटो देखिए कुछ इस टाइप सा दिखने लगेगा। तो यहाँ से आ जाना है और सिलेक्टिव पे क्लिक करके और जहाँ जहाँ हमारा फेस ब्लैक रहेगा उसको ऐसे करके देकर और इसको वाइट कर लेना कुछ इस टाइप से, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा फेस ब्लैक रहेगा, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से कर देना है, टूल पे जाकर सिलेक्टिव पे जाके जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है सो कुछ इस टाइप से हमें इसको वाइट कर लेना है, जूम करके और इसको वाइट कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ से डन कर देना है। सो देखिए हमारा फोटो कुछ इस टाइप से हो चुका है। तो अब हम इसको फेस को स्मूथ करेंगे। फेस स्मूथ करने के लिए फिर से यहाँ पर टूल पर जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लर का निशान, सो ब्लर पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। ब्लर पे क्लिक करने के बाद इसको बस थोड़ा ब्लर रहने देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से इतना रहेंगे, प्लस 4 रखेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। और डन करने के बाद ऊपर में क्रॉस तीर पे जाएंगे, व्यू एडिट पे जाएंगे, लेंस ब्लर और ब्रश को चूज कर लेंगे, ठीक है,
ब्रश को चूज करने के बाद देखिए यहाँ से 100 कर लेंगे और कुछ स्टेप से हमें अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। सो देखिए हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। देखिए हमारा फेस स्मूथ हो रहा है बहुत ही अच्छी तरीका से। सो ऐसे करके हमें स्मूथ कर लेना। और इससे भी बेटर स्मूथ करने के लिए आप ऑटोडेस्क स्केच बुक का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देना है और डन करने के बाद इस थोड़ा बैक आ जाना है, फिर टूल पे जाना है, यहाँ पर दिख रहा होगा पोर्ट्रेट का निशान, सो इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद इसको बढ़ा देना कुछ स्टेप से, ठीक है। और यहाँ पर स्किन स्मूथ है इसको भी कुछ स्टेप से बढ़ा देना और यहाँ से डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद देखिए हमारा फोटो कुछ स्टेप से हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर दिख रहा है। फिर सेलेक्टिव को चूज कर लेंगे, जहाँ पे ब्लैक दिख रहा है तो हम इसको वाइट कर लेंगे कुछ स्टेप्स। आपको जहाँ जहाँ ब्लैक दिखे आप वाइट कर सकते हो, ठीक है। देखिए तो हमारा फेस कुछ स्टेप से हो चुका है, तो यहाँ से फिर से लेंगे सेलेक्टिव और जींस पे भी आना है तो जींस पे दे देंगे और इसको ये यहाँ पर दिख रहा है सिचुएशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। सो सिचुएशन को बढ़ाने के बाद देखिए हमारा जींस पे कलर आ चुका है कुछ स्टेप से। फिर टी शर्ट पर भी ऐसा ही करेंगे, सिचुएशन को बढ़ा देंगे कुछ स्टेप्स। सो देखिए हमारा पिक कुछ स्टेप से हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।